एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के जो क्वेश्चंस हैं बड़े आसान हैं, परिभाषाओं पर ही डिपेंड कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन। तो उनको आप स्वयं लगाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो पूछ सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक आव्यूह का निर्माण करना है। इस आव्यूह के बारे में दिया हुआ है, ये 2x2 मतलब ये 2x2 मतलब 2x2 क्रम का ये आव्यूह है। और जब ये 2x2 क्रम का आव्यूह है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो रो और दो कॉलम, दो रो होंगे और दो कॉलम होंगे। इस हिसाब से इसमें 4 एलिमेंट होंगे। आप देख सकते हैं मैंने 4 पॉइंट यहाँ पर लगाए। तो पहला रो ये 2 एलिमेंट यहाँ पर, दूसरा रो ये हो गया, इसी प्रकार पहला कॉलम और दूसरा कॉलम। तो 2x2 मतलब 4 एलिमेंट यहाँ पर फिट होना है। अब ये फिट करने के लिए इसका एक फॉर्मूला भी दिया है, AIJ, जो हमें यहाँ कंप्लीट करना है। आप देखो AIJ इक्वल I+2J। तो AIJ आई रो को निरूपित करेगा और जे कॉलम को, मैंने पहले भी बताया कि पहले जो लिखा रहता है वो रो होता है, बाद में जो लिखा रहता है वो कॉलम होता है। कि ये वाला पॉइंट कंप्लीट करना है, ये वाला पॉइंट इस स्थान पर हमको एलिमेंट करना है। तो ये वाला पॉइंट जो है आपका यहाँ पर देखा जाए तो पहले रो में और पहले कॉलम, तो पहले रो पहले कॉलम में, कहने का मतलब यहाँ से A11 निकालना चाहिए। A1 पहला रो और पहला कॉलम, तो आई की जगह 1 रख दिया जाएगा और जे की जगह भी 1 रख दिया जाएगा। तो यहाँ से ऐसा 3 प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 फिलअप हो जाएगा। पहला एलिमेंट आ गया, ये एलिमेंट आपका पहले रो में है और दूसरे कॉलम में। तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो इसका मतलब हुआ A12, पहला रो दूसरा कॉलम। आगे और बता दें उसके बाद फिर यहाँ पर रखते हैं। ये वाला एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, तो ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये A21 बना। और यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो A22 बन गया। तो अब इसी प्रकार से जब A12 हम यहाँ करेंगे तो आई के स्थान पर एक और जे के स्थान पर 2 रख देंगे, तो 1+2×2 तो आ जाएगा 5। अब आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा। आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 2 रखेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो ये एलिमेंट 5 होगा, ये एलिमेंट 4 होगा, ये एलिमेंट 6 होगा। दैट्स अ आंसर। और ये आव्यूहों के अवयव के नाम भी मान लें। आगे आप और पढ़ेंगे, जब इनवर्स निकालने वाली बात आएगी उसमें कोफैक्टर्स निकाला जाता है, तो उसमें ये सब काम किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में एक आव्यूह दिया हुआ है LHS में, एक आव्यूह दिया हुआ है LHS में। इसका फर्स्ट रो है 3x और सेकंड रो है 4y और एक आव्यूह दिया हुआ है RHS में 1.5 1। ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए Z1, लेकिन RHS के आव्यूह में उनका क्रॉस करना है। और आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जैसा कहा गया है कि एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए, तो ये एक्स वाई और यहाँ से ये जेड का वैल्यू ज्ञात करना है। सिंपल सा काम है, दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। लेकिन तुलना करने से पहले दोनों साइड आव्यू, जैसे यहाँ पर राइट साइड में आव्यू में 2 का गुणा है, तो पहले 2 का अंतर गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ पर किसी संख्या का गुणा नहीं है। गुणा कर दें, गुणा करने के बाद डायरेक्ट तुलना कर दी जाए 3x 4y। और जब 2 का गुणा करेंगे अंदर, तो हर एक एलिमेंट में होता है, 1.5 में होगा तो 3 हो जाएगा, 1 में होगा 2 हो जाएगा। यहाँ सेड है ही और यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर ये हो जाएगा x=2। आप देख सकते हैं कि x के स्थान पर x फर्स्ट सेकंड कॉलम में है, इसी प्रकार फर्स्ट और सेकंड, इसकी इससे तुलना हो जाएगी, इसकी इससे तुलना हो जाएगी। y का मान भी 2 आ जाएगा और 4 के स्थान पर z वहां पर लिखा हुआ है, तो z=4 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से इसके आगे के और क्वेश्चंस, जैसे 5वें का b पार्ट है उसको भी आपको कंपैरिजन करके करना है। क्वेश्चन नंबर इसका सी पार्ट है उसको भी आपको कंपैरिजन करके करना है। 5वें के सी पार्ट में आप देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, -x+y+z=1 हो जाएगा। x-y+z, हम यहाँ पर 5वें का सी लिख कर समझा दें। 5वें का सी पार्ट लेफ्ट साइड में जो आव्यूह दिया हुआ है -x+y+z, x-y+z और x+y-z = यहाँ पर 1 2 3 ये दिया।
तो अब यहाँ पर दोनों पक्षों की जब आप तुलना करेंगे तो तुलना से माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक हो जाएगा, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू हो जाएगा, एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल थ्री हो जाएगा। तीन समीकरण बनेंगे, तीनों को आप हल करेंगे तो उससे एक्स वाई जेड की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। आगे और बताते हैं क्वेश्चन नंबर, जो आप जो सिंपल मैंने परसों बताए थे जोड़ने के लिए वो आप कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जैसे अभी एक छात्र ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, उसको हम अगले वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।